गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अगेन अबाउट यूनिट फर्स्ट लेसन नंबर फोर्थ एंड लेसन नेम इज फर्स्ट एड। इट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट एंड ऑफ दिस लेसन। दिस वीडियो इज आल्सो फॉर एट्थ क्लास। यानी कि बच्चों, आज हम पुनः एक बार फिर यूनिट फर्स्ट लेसन नंबर फोर और लेसन का नेम है फर्स्ट एड, प्रथम उपचार, और ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर की वीडियो का। तो बच्चों, हमने पहली वीडियो में डेफिनेशन के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, गोल ऑफ और एम ऑफ फर्स्ट एड, इसके बारे में जानकारी ली और डिस्कस किया। साथ साथ हमने एमसीक्यूस के बारे में कुछ जानकारी दी, एमसीक्यूस को पढ़ा, उनको समझा। यस, तो बच्चों उसी कड़ी में टुडे वी विल टॉक अबाउट सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड दिस चैप्टर। दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। ओके माय डियर, बिफोर इट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट वंस अगेन डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। दैट ट्रीटमेंट विच इज गिवन टू द विक्टिम बिफोर द मेडिकल हेल्प, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एड वी कैन सेव द लाइफ ऑफ अ विक्टिम और पेशेंट। एंड फर्स्ट एड इज गिवन ओनली द सडन एक्सीडेंट और इलनेस। ओके माई डियर, एंड द एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू सेव द लाइफ ऑफ विक्टिम, दैट इज गिवन बिफोर द मेडिकल हेल्प। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन द फर्स्ट एड वी कॉल्ड द मेडिकल एड। बच्चों, क्या हम फर्स्ट एड को, प्रथम उपचार को मेडिकल एड भी कह सकते हैं, अर्थात चिकित्सा उपचार भी कह सकते हैं? आंसर, फर्स्ट एड इज नॉट अ मेडिकल एड। सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि फर्स्ट एड को हम मेडिकल अर्थात चिकित्सा उपचार नहीं कह सकते। इट इज अ मेजर टू सेव लाइफ ऑफ द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। जो फर्स्ट एड होता है वो उस समय पर एकदम से उस मरीज की, उस विक्टिम की एक्सीडेंट से बचाने के लिए क्रियाकलाप किया जाता है ताकि उसका जीवन बच सके। सेकंड, कैन एवरीबॉडी इम्पार्ट फर्स्ट एड। क्या प्रत्येक आदमी फर्स्ट एड दे सकता है? आंसर, नो। एवरीबॉडी कैन नॉट इम्पार्ट फर्स्ट एड, ओनली अनटायर्ड सेंसिबल एगल गायल डेक्सटेरियस एंड ट्रेंड पर्सन्स इज नीडेड फॉर द फर्स्ट एड। जो व्यक्ति समझदार हो, जो हर घटना से, दुर्घटना से उसके बारे में जानता हो, धैर्यवान हो, यस ट्रेंड व्यक्ति हो, वही व्यक्ति वास्तव में फर्स्ट एड दे सकता है। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ फर्स्ट एडर आफ्टर कैरिंग द पेशेंट टू अ डॉक्टर। जो प्रथम उपचार व्यक्ति देता है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? द फर्स्ट एडर, आंसर देखिए, द फर्स्ट एडर शुड इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट आफ्टर कैरिंग टू द डॉक्टर। सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, इट इज अ मॉरल ड्यूटी ऑफ फर्स्ट एडर, नॉट ओनली फर्स्ट एडर बट ऑल्सो एवरी वन।
Yes? In the case of any accident and sudden feeling, sudden illness, in that condition, you have to give the first aid. And after that, you have to carry the patient to the doctor. And after that, you have to inform the relative of that patient. It is the moral duty. सबसे पहले हमें first aid देना चाहिए, उसके बाद उस मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, और इसके बाद जो उस पेशेंट के घर वाले हैं, उससे संबंधित व्यक्ति हैं, उन सबको इन्फॉर्मेशन उनको बताना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि आपके इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, अचानक से बीमार हो गया है, इसको मैं इस हॉस्पिटल में लाया हूँ, इन डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है इस समय. यस, वो सारी जानकारी उनको देना चाहिए, उनको बताना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द फर्स्ट एडर, हाउ शुड द फर्स्ट एडर हाउ शुड बी द फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर किस प्रकार का होना चाहिए? तो बच्चों आंसर देखिए, फर्स्ट एडर शुड बी सेंसिबल, प्लानर्स, स्मार्ट, decides, untired, sympathetic, should be aware of knowledge of the first aider. अर्थात जो first aider व्यक्ति होता है, जो प्रथम उपचार करता है, बहुत ही धैर्यवान, धीर, वीर, शील, गंभीर और decision maker person होना चाहिए, सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, और उसको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसा फर्स्ट एडर को होना चाहिए. नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी टू रूल्स ऑफ फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर के दो रूल बताइए. यस, जो प्रथम उपचार देता है उसके क्या दो नियम है? फर्स्ट नियम, फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामाइन द बॉडी ऑफ द पेशेंट. सबसे पहले जो फर्स्ट एडर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो विक्टिम है, जो मरीज है, उसकी पूरी बॉडी का निरीक्षण करना चाहिए कि उसको चोट कहाँ कहाँ लगी है और कैसी कैसी चोट है. अप्लाई मोर अटेंशन टूवर्ड्स द मोस्ट डेंजरस इंजरीज, और उसके बाद उसको ये निरीक्षण करना चाहिए कि इन सब चोटों में सबसे खतरनाक इंजरी कौन सी है. यस, उन सब का उसको निरीक्षण करना चाहिए, जो व्यक्ति फर्स्ट एडर होता है, जो प्रथम उपचार देता है. आई थिंक इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ अ पेशेंट इफ ही बिकम्स अनकॉन्शियस और हिज ब्रीथिंग स्टॉप, ऐसे समय पे क्या करना चाहिए यदि किसी मरीज की सांसें थम रही हो, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, सांस नहीं आ रहा हो, तो इस कंडीशन में जो प्रथम उपचार होता है, जो फर्स्ट एडर होता है, उसको किस प्रकार से फर्स्ट एड करना चाहिए? आंसर, एडमिनिस्टर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू द पेशेंट If he becomes unconscious or his breathing stops, अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको सांस नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए. अर्थात आपने देखा होगा टीवी में, मूवी में देखा होगा, कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके हार्ट को धीरे से पुश करते हैं, स्ट्रोक करते हैं, और कभी कभी क्या होता है, मुंह लगा करके उसके अंदर सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं. तो बच्चे भाई होता है आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी डन फॉर द आउट फ्लो ऑफ द पॉइजनियस ब्लड आउट ऑफ द बॉडी. यदि हमें किसी व्यक्ति को सांप ने काटे, कुछ काम हो गया है ऐसा, जिसकी बॉडी में जहर फैल रहा है,
तो बॉडी से ब्लड निकालने के, बॉडी के ब्लड से हम खून को कैसे, यानी कि बॉडी में जो खून होता है उस खून से हम जहर को अलग कैसे कर सकते हैं? आंसर, मेक अ कट टेकिंग केयर ऑफ रॉड्स आई लॉन्ग, यानी कि वन लॉन्ग एंड हाफ डीप विद अ शार्प नाइफ और ब्लेड और अ बाइटन स्पोर्ट। बच्चों, यदि किसी जहरीले इंसेक्ट ने किसी को काट लिया है, यस, या काटने के साथ साथ क्या हुआ है, डंक मार दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसका जहर बॉडी में फैलने लगता है, खून में फैलने लगता है। तो खून से ब्लड, यानी कि खून से जहर को निकालने के क्या करना चाहिए हमें, ब्लेड से, चाकू से, उस स्थान पर जहाँ पर किसी जीव के द्वारा काटा गया है, इंसेक्ट के द्वारा काटा गया है, वहाँ पर 1 सेंटीमीटर लंबा और आधा सेंटीमीटर गहरा क्या करना चाहिए, कट लगाना चाहिए। यस, तो उससे क्या होता है, उससे उस स्थान का जो जहर होता है वो बाहर आ जाता है खून के साथ साथ। ये जानकारी वही रखता है जो फर्स्ट एडर होता है, और वही फर्स्ट एड दे सकता है। नेक्स्ट, वेयर डज द पॉइजन ऑफ मैड डॉग बाइट रीच इन द बॉडी, यानी कि जब कोई पागल कुत्ता किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के काट लेता है, तो उसकी बॉडी में किस प्रकार से जहर फैलता है उस पागल कुत्ते का। देखिए, रीचेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन थ्रू द टिश्यूज, यानी कि बच्चों आप ये बात समझ लीजिए, जब कोई पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो जहर जो होता है वो खून के माध्यम से सबसे पहले मनुष्य के दिल तक पहुंचता है, उसके हार्ट तक पहुंचता है। यस, और हार्ट में पहुंचने के बाद खून के माध्यम से वो क्या होता है, वो सारा जहर टिश्यूज तक पहुंच जाता है, जिससे मनुष्य की बॉडी में बहुत जल्दी जहर फैल जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ इमीडिएट मेडिकल एड इज नॉट अवेलेबल ऑन द डॉग बाइट देन व्हाट शुड बी डन, यदि किसी व्यक्ति को कोई पागल कुत्ता काट ले और वहां पर तुरंत फर्स्ट एड की, प्रथम उपचार की कोई व्यवस्था ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। और देखिए क्या करना चाहिए, बर्न द बाउंड विद द कार्बोलिक और नित्रिक एसिड, पॉइजन विल बी रिमूव्ड, अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है। यस, अगर तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर तुरंत क्या करना चाहिए, इस मिक्सचर का यूज करें जिसको हम बोरोलिक और नित्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, और जहर को बाहर निकाल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी अप्लाइड ऑन द स्टंग स्पॉट, अगर किसी चीज ने डंक मार दिया है और डंक मारने के बाद तो हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान पर क्या करना चाहिए, तो डंक वाले स्थान पर आंसर देखिए, स्प्रिट साल्वोलाइट माइल्ड अमोनिया एंड सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, इन सब का हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन इफ द स्टिंग हैपन्स इनसाइड द माउथ, अगर बच्चों कोई इंसेक्ट गाल में काट ले और उसका डंक अंदर मुंह में चला जाए, या अंदर मुंह के अंदर कोई इंसेक्ट काट ले, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इन दिस केस डिजॉल्व्स 2 स्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर, सबसे पहले 2 चम्मच बेकिंग पाउडर लेना चाहिए, इन अ ग्लास ऑफ अ वाटर, और एक ग्लास में 1 गिलास पानी भर लीजिए और उस ग्लास के अंदर
ये बेकिंग पाउडर डाल लीजिए एंड गर्गल और गलारा करिएगा. फोमेंट आउटसाइड द थ्रोट और उसके बाद फिर बाहर थूक दीजिए. तो इससे क्या होगा, वो स्वेलिंग, वो स्टंग क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मीन्ट बाय बर्न. जलने से आप क्या समझते हैं? आपने देखा होगा सन स्ट्रोक होता है, सूर्य की गर्मी से या कभी कभी आग से या किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हमारा शरीर का कोई हिस्सा जल जाता है, हमारे शरीर को हिस्सा जलता है और हमारी स्किन जल जाती है, झुलस जाती है. तो जलने से क्या तात्पर्य है? आंसर, बर्निंग ऑफ दीज टिश्यूज ऑफ स्किन्स ड्यू टू द टचिंग ऑफ बॉडी विद अ बर्निंग और हॉट सब्सटेंस इज कॉल्ड बर्न. जब हमारी बॉडी और स्किन किसी भी गर्म चीज के संपर्क में आ जाती है या कोई गर्म चीज हमारी बॉडी से टच हो जाती है, स्किन से टच हो जाती है, तो उसको हम जलना बोलते हैं. और झुलसना क्या होता है? जब हमारी बॉडी या स्किन किसी गर्म चीज के संपर्क में आती है और ज्यादा तरीके से नहीं जलती है, हल्का सा उस पर असर दिखाई देता है, तो उसको झुलसना बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी यूज्ड फॉर वॉशिंग अ पार्ट बर्न बाय एसिड. अगर कहीं पर एसिड से कोई प्रॉब्लम जाती है तो हमें कैसे उसको साफ करना चाहिए? वॉश द पार्ट बर्न बाय एसिड. अगर हमारा जो हिस्सा शरीर का एसिड से जल गया है तो उसको क्या करना चाहिए? विद एल्कालाइन मिक्सचर यूज ऑर्डिनरी वाटर इन केस ऑफ एल्कालाइन मिक्सचर इज नॉट अवेलेबल. यस, तो हमें वाटर का यूज करना चाहिए. एल्कालाइन मिक्सचर का यूज नहीं है तो सिंपल वाटर का यूज करना चाहिए. आई थिंक इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ट बाय सनस्ट्रोक. सनस्ट्रोक का मतलब क्या है? अनकॉन्सियसनेस ऑफ द बॉडी ऑन टू बी इन्वॉल्व्ड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन इज कॉल्ड व्हाट? सनस्ट्रोक. इसको हम सनस्ट्रोक बोलते हैं. यानी कि जहां हमारी बॉडी क्या होता है, सूर्य गर्मी से जलने लगती, झुलसने लगती है, उसको सनस्ट्रोक बोलते हैं. ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द सन स्ट्रोक. बच्चों, यदि हमारी बॉडी जलने लगती है सूर्य की गर्मी से तो हमें किस प्रकार से सन स्ट्रोक से बचना चाहिए? हम अपनी बॉडी को कैसे सूर्य की किरणों से, सूर्य की स्कॉर्चिंग हीट से कैसे अपनी बॉडी को बचा सकते हैं? देखिए, बाय ब्लैक अम्ब्रेला, गूगल्स एंड लेमन सेल्टाइज जूस शुड बी यूज्ड. अगर हमें अपनी बॉडी को सूर्य गर्मी से झुलसने बचाना है तो हमें छाते का यूज़ कर सकते हैं, आंखों के लिए चश्मे का यूज़ कर सकते हैं और एक गिलास में नींबू मिलाकर के नींबू पानी पी सकते हैं. यस, जूस का यूज़ कर सकते हैं, नमक चीनी का घोल पी सकते हैं. इन सब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बचा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक आपने देखा होगा, कभी कभी बिजली का झटका लग जाता है, उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर, शॉक ऑफ और करंट बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी विद अ लाइव वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक. ओके माय डियर, यानी कि जब हमारी बॉडी किसी लाइव वायर के संपर्क में आ जाती है, अर्थात जिसमें बिजली का करंट दौड़ रहा होता है,
वो करंट, तो वो वायर हमारी बॉडी के संपर्क में आ जाता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है, झटका लगता है, उसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज इफ समवन इज स्टक टू अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर देन द विच सब्सटेंस शुड बी रिलीव्ड। अगर किसी व्यक्ति को कोई करंट पकड़ ले, करंट लग जाए, यस बिजली पकड़ ले, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? लिसन टू मी, विद अ स्टिक ऑफ ड्राई वुडन और रबर ग्लव्स। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें लकड़ी के माध्यम से, सूखी लकड़ी हो या फिर रबड़ के ग्लव्स हो, उससे हमें सबसे पहले घर की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। और जब हम इलेक्ट्रिक ऐसा काम करने जा रहे हैं तो हमें स्टिक का यूज़ करना चाहिए या रबड़ के ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए? ओके माय डियर। नेक्स्ट, इफ द वोल्टेज इज अप टू 500, हाउ शुड द स्टक पर्सन बी सेव्ड। अगर करंट 500 वोल्टेज का हो तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं? यस, इन ऑर्डर टू सेव द पर्सन फ्रॉम 500 वोल्टेज बियर द रबर ग्लव्स एंड शूज, डिस्काउंट द पर्सन फ्रॉम द करंट विद द स्टिक ऑफ द ड्राई वुडन। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, रबड़ के ग्लव्स पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए और उस व्यक्ति को उससे दूर करना चाहिए। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस शुड बी नो शुड नॉट बी टायर्ड टू कट द करंट वायर। ऐसी कंडीशन में हमें क्या, करंट के वायर को काटना नहीं चाहिए, किससे, चाकू से, ब्लेड से, किसी गीले चीज से नहीं करना चाहिए, या लोहे की चीज से, उससे करंट आपके अंदर भी आ जाता है। और नेक्स्ट, व्हेन इज एन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नीडेड। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की कब आवश्यकता होती है? व्हेन द ब्रीथिंग ऑफ अ पर्सन ऑब्स्ट्रैक्ट और ही बिकम्स अनकॉन्शियस देन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज नीडेड। जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यस, तब हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी टू मेथड्स ऑफ एन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। यस, दो रेस्पिरेशन के नाम बताने जो आर्टिफिशियल हैं, एक सैफर मेथड और है स्लाइवेस्टर मेथड। दो प्रकार के आपके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम होते, मेथड्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एडर। आंसर, फर्स्ट एडर ऑफ ऑल चेक्स द सीरियस इंजरीज। सबसे पहले फर्स्ट एडर को सारी सीरियस इंजरीज का मुआयना करना चाहिए। सेकंड, स्टॉप द ब्लीडिंग इमीडिएटली। अगर उसके जो व्यक्ति है उसके बॉडी से खून निकल रहा है तो सबसे पहले उसके खून को रोकना चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके माय डियर स्टूडेंट, इट इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट योर क्लास टीचर एंड यू कैन लीव अ मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।